हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे ड्राई हेयर, इची स्कैल्प, स्प्लिट एंड्स या ब्रेकेज। ये सारे प्रॉब्लम्स का रीजन क्या है, साथ ही मैं बताऊंगी इसका सोल्यूशन। और सोल्यूशन तो इतना अच्छा है, पूछो ही मत। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल। क्यों? क्योंकि आज मैं आपके साथ जो सोल्यूशन शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए आपको ना तो कोई रेमेडी बनानी है, ना तो आपको एक रुपये भी खर्च करना है। आपको चेंज करना है सिर्फ अपने फॉर्म करने का तरीका। कि आपको आइडिया भी है कि गलत तरीके से फॉर्म करने की वजह से हमें कितनी सारी हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे 50% हेयर प्रॉब्लम्स होते हैं सिर्फ हमारे गलत तरीके से फॉर्म करने की वजह से। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कॉम करने का सही तरीका। क्योंकि यार, जब तक हम सही तरीके से कॉम नहीं करेंगे, तो हम कितने भी प्रोडक्ट्स ट्राई कर लें, कितने भी रेमेडीज ट्राई कर लें, हमारा हेयर कभी हेल्दी नहीं हो सकता। इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके बाल चेंज हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको अपने बाल दिखा रही हूँ। देख रहे हो कितने ज़्यादा बुरी तरह से उलझे हुए हैं मेरे बाल। मेरे उंगलियों से देखो यार, कैसे निकल नहीं रहे, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उलझे हुए हैं मेरे बाल। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि बाल मेरे कैसे उलझे हुए हैं। फिर हम बात करेंगे कंघी के बारे में, कि कौन सा कंघी यूज़ करना अच्छा होगा आपके बालों के लिए। तो आप प्लास्टिक की कंघी कभी मत यूज़ करो, ये बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है हमारे बालों को। हमेशा एक वुडन कॉम यूज़ करो, या फिर आप चाहो तो एक पैडल ब्रश भी यूज़ कर सकते हो मेरी तरह। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि अपनी रूट्स से बालों को सुलझाना शुरू करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। हमेशा अपने एंड से अपने बालों को सुलझाना स्टार्ट करें, और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए बालों को सुलझाते जाएं। इससे हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा कम होगा और बाल दुखेंगे भी बहुत ही ज़्यादा कम। ऐसे ही करके सबसे पहले आप अपने एक तरफ के बालों को सुलझा लीजिए, और फिर हम ऐसे ही अपने दूसरी तरफ के बालों को भी सुलझा लेंगे। देख रहे हो आप कैसे मैं नीचे की ओर से स्टार्ट कर रही हूँ, और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर अपने बालों को सुलझा रही हूँ। बालों को सुलझाने के बाद आप रूट्स पे 2 से 3 मिनटों के लिए अच्छे से हेयर ब्रश से मसाज करें, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हमारे बाल बनेंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग। अगर पॉसिबल हो तो आप एक वुडन पैडल ब्रश ले लो, ये ब्रेकेज की समस्या को 50% तक कम कर देता है। तो यही थे मेरे कुछ टिप्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। So that's it for today's video. Video अच्छी लगी हो, video helpful रही हो, तो make sure इस video को like और मेरे channel को subscribe जरूर कर लीजिए। साथ ही share करिए अपने feedback and suggestions comment section में, या comment जरूर किया करो। आप लोगों के comments पढ़ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने next video में। Until then, bye bye and take care. Thank you for watching.